हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमिन करेंगे स्ट्रक्चर डिटरमिन हम दो तरीके से कर सकते हैं या तो हम एन टर्मिनल की तरफ से चलें या हम सी टर्मिनल की तरफ से करें तो हम लोग बारी बारी से पहले एन टर्मिनल एनालिसिस करेंगे यानी हमने चेन एन टर्मिनल से ले शुरू किया है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि एन टर्मिनस की तरफ से अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस है क्या क्रम है और उसके बाद हम लोग सी टर्मिनल एनालिसिस करेंगे कि दूसरे छोर से अमीनो एसिड का क्या क्रम है तो आपके सिलेबस में डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स बाय डी एन एफ बी मेथड है इसे हम सेंगर्स मेथड कहते हैं और एक एडवांस मेथड है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे द एन टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन कैन बी बाय रिएक्टिंग द प्रोटीन विथ टू फोर डाई नाइट्रो फ्लोरोजीन जिसे डी एन एफ बी शॉर्ट में कहते हैं और इसे ही हम सेंगर्स रिएजेंट कहते हैं विच रिएक्ट्स विथ फ्री अमीनो ग्रुप इन द प्रोटीन ये सेंगर्स रिएजेंट है फोर डाइनाइट्रोफ्लोरोजीन है यह रिएक्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड uh, चेन से और फिर उसका डेरिवेटिव बनाएगा द पॉलीपेप्टाइड इन एक्वस एल्कोहलिक सोल्यूशन इज ट्रीटेड विथ द सेंगर रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड एल्कली टू ऑप्टेन एन टू फोर डाइनाइट्रोफिनाइल पेप्टाइड दिस ऑन हाइड्रोलिस विथ थ्री एन एस सी एल गिवस टू फोर डाइ नाइट्रोफिनाइल डेवेटिव ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड विच इज येलो इन कलर एंड कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड यूजिंग क्रोमैटोग्राफी तो आइए इसको समझें कि इस कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं आइए इस मेथड को हम लोग इस स्लाइड के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं एक तरफ यह आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है यह इसका एन टर्मिनल हिस्सा है यह इसका सी टर्मिनल हिस्सा है हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एन टर्मिनल की तरफ से कर रहे हैं हमने इसमें रिएजेंट डी एन एफ बी मिलाया डाई आप देख रहे हैं एक नाइट्रो ग्रुप है एक नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पर एक फ्लोरीन रहा होगा जो कि एनेस्टू ग्रुप के एलिन के एनेस्टू ग्रुप से रिएक्ट करता है एच और एफ यहाँ से निकलता है और इस तरीके का एक प्रोडक्ट हमको मिलता है जिसको हम कहते हैं टू फोर डाई फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमको ये डेरिवेटिव मिल जाता है साथ में ये भी हाइड्रोलाइज होगा तो एक अमीनो एसिड हमको ये मिल गया ये भी हाइड्रोलाइज होगा ये दूसरा अमीनो एसिड मिल गया तीसरा अमीनो एसिड मिल गया तो जितने अमीनो एसिड हैं वो सब हाइड्रोलिसिस के बाद हमको मिल जाते हैं लेकिन क्या नहीं मिलता है क्या रिएक्ट करता है वो ये है जो कि येलो कलर का होता है और इसको हम क्रोमेटोग्राफी से पता कर लेते हैं आप देखिए है कि ये जो अमीनो एसिड है ये एलानिन है जो कि एन टर्मिनल छोर पर मौजूद था तो इसके कलर से या क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हमको ये पता चल जाता है कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में एन टर्मिनल छोर पर हमारा कौन सा अमीनो एसिड मौजूद था तो एक अमीनो एसिड हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम दूसरे क्रम की तरफ जाएंगे तो क्रमानुसार हमको सीक्वेंस पता चल जाता है एन टर्मिनल एनालिसिस के लिए आपके सिलेबस में एक दूसरा मेथड भी दिया है जिसको हम लोग एडमान मेथड कहते हैं या डिग्रेडेशन मेथड कहते हैं इसको स्वीडिश बायोकेमिस्ट पीवी एडमान ने डेवलप किया था एंड इट इज अ मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग अमीनो एसिड्स इन ए चेन इन दिस मेथड द अमीनो टर्मिनल रेसिड्यू इज लेबल्ड एंड क्लीव्ड फ्रॉम द पेप्टाइड विदाउट डिसरप्टिंग द पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अदर अमीनो एसिड रेसिड्यूज दस The peptide bonds are sequentially hydrolyzed from the end terminus and the released amino acid is derivatized and is analyzed by reverse phase HPLC. इस मेथड में फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को हम पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ रिएक्ट कराते हैं फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को हम एडवांस रिएजेंट कहते हैं और इस रिएक्शन के बाद पेप्टाइड का एक नया एन टर्मिनल हमें क्रिएट होता है जैसे यह फिनाइल आइसोथायोसाइनेट है चूंकि पॉलीपेप्टाइड चेन का यह पॉलीपेप्टाइड चेन है ग्रुप फ्री है तो पेप्टाइड चेन के इस हिस्से को हम एन टर्मिनल कहेंगे यह एन टर्मिनल फिनाइल आइसोथायोसाइनेट से रिएक्ट करके एक नया डेरिवेटिव बनाता है और उस डेरिवेटिव की आगे हाइड्रोलिसिस की जाती है अब ये जो डेरिवेटिव बनता है इसको एससीएल एस्टिक एसिड के साथ या नाइट्रोमिथेन भी हम ले सकते हैं उसके साथ जब ट्रीट किया जाता है तो एक थाइडेंटॉइन बनता है ये आप देख रहे हैं थायोहाइडेंटॉइन और यह बनता है और बाकी जो पेप्टाइड है ये पूरी चेन हमें वापस मिल जाती है एक नए एन टर्मिनल के साथ तो जो पहला एन टर्मिनल अमीनो एसिड था उसका हाइहाइडोइन बन गया और नई जो चेन है वो की तस रह गई तो हमें यह पता चल जाता है कि एन टर्मिनल का पहला अमीनो एसिड कौन सा था इसे हम रिवर्स फेज एच पी एल सी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी का ही एक उन्नत प्रकार है ये उससे पता कर लेते हैं